हाँ, अब तुम महुआ से बात करने के लायक हुए। बस हार पहन लो और बन गए राजा। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, ये तो मेरे गुलाम है। मेरी तरह से तुम तो राजा हो। राजा, इन गुलामों को राजा से दूर रखो बाबा। महुआ प्लीज घबराओ नहीं, किसी को सांप काट खाए तुम उसका जहर निकाल के उसकी जिंदगी बचा सकती हो। मेरे ऊपर इनका तजुर्बा न करना। डर से क्यों, मैं तुम्हें जहर निकालना सिखा दूंगी। अब यही सीखना बाकी रह गया। प्लीज महुआ उठो। जब तुम जहर निकालना सीख जाओगे तो क्या होगा, फिर तुम मेरे राजा बनोगे। अच्छा, और मैं रानी। होने वाली रानी को ले चलो। चलो कहाँ? महल में। किस लिए? इस रियासत के राजकुमार अनादि बरुआ तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं। रानी? हाँ रानी रानी नंबर 40। बड़े रंगीले हैं आपके राजकुमार। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे 150 टुकड़े कर दूंगी। वो तो तुम्हें देखते ही हो गए थे। चाणक, इन्हें महल में ले चलो, ये हमारा हुक्म है। ओ, तो आप ही हैं यहाँ के राजकुमार? हाँ। तो क्या यही है आपका इंसाफ? क्या यहाँ कोई कानून नहीं? क्यों नहीं, हमारी जुबान यहाँ का कानून है और हमारी मर्जी यहाँ का इंसाफ है, समझे? चाणक, इन दोनों को शाही मेहमान रखा जाए, हाथों में जेवर पहनाकर। हाँ, हम शिकार से वापस आकर रूठी रानी को मना लेंगे।